हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, कोरोना वायरस का डर पूरी दुनिया में इस समय फैल चुका है। सभी लोग डरे हुए हैं कि कोरोना वायरस का ये पूरा दौर कब खत्म होगा और सभी लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये चीज़ अब खत्म भी हो जाए। लोग अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट गाइडलाइन है, डायरेक्शन है कि भाई घर में रहिए, आप लोगों के संपर्क में ना आइए, हैंड वॉश करते रहिए, ये सारी की सारी चीज़ें लोग मान रहे हैं और इसी वजह से इसको हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। मीनवाइल जब तक इसका कोई और सोल्यूशन नहीं निकलता है, लोग इसके बारे में बात करते करते लगातार डिप्रेस होते रहते हैं और घर में बैठे बैठे कई लोगों को काम नहीं, कई लोगों को वर्क फ्रॉम होम की आदत नहीं होती है, तो हो सकता है कि कई ऐसे प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें वो घर पे जब बैठे और लॉकडाउन हुए तो उन्हें समझ भी नहीं आया कि यार अब हम करेंगे क्या, तो दिन भर नेगेटिव बातें सोच सोच के ना और ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो हम इस सीरीज़ में देख रहे हैं कोरोना वायरस के साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बताते हैं कि एक और पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट क्या है कोरोना का। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे शेयर भी करा हुआ है कि इस दौर में वो टेंशन फ्री हो गए, यानी उन्हें जो ऑफिस का टेंशन होता था, जो दूसरे काम का टेंशन होता था, अननेसरी चीज़ों का टेंशन होता था, उससे थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए उनका दिमाग हट गया और वो ज़्यादा पीसफुल लाइफ जी रहे हैं कि मुझे कोई काम नहीं, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे घर पर रहना है। और ऐसे में वो कुछ ना कुछ अपने पैशन को रिवाइव करते हैं। जैसे मेरे एक फ्रेंड है जिसको गाने का बहुत शौक है, लेकिन आईटी इंडस्ट्री में है, वो अपना प्रेशर हैंडल कर रहा था कि भाई काम का प्रेशर है, घर का भी अपना एक प्रेशर होता है, वो सब के बीच में जैसे ही ये लॉकडाउन वाला पीरियड चालू हुआ तो उसे अपने सिंगिंग का जो आनंद आता था, जो करते हैं उनको मज़ा आता है इसमें, तो उसने बहुत इंजॉय किया और उसका मूड एकदम रिफ्रेश हो गया। और अब जब हम उससे इस दौर में बातचीत करते हैं तो ज़्यादा खुश नज़र आता है। तो मैंने देखा कि कई लोगों पर ये बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, यानी कि आप इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। आपका लिखने का पैशन हो सकता है, आपका गाने का पैशन हो सकता है, आपका कुछ लर्न करने का पैशन हो सकता है, कुकिंग का पैशन हो सकता है, वो चीज़ जो आप किसी वजह से कहते थे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूँ, और अभी आपको टाइम मिला है तो आप उस पैशन को एक बार फिर जी सकते हैं। और आप देखेंगे दोस्तों कि इससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज करने हम बाहर नहीं जा पा रहे, मैं बोल रहा हूँ घर के अंदर आप वॉक कर लो, घर के अंदर बेसिक एक्सरसाइज कर लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको जो करना था, जैसे आपको कहानी लिखने का शौक है लेकिन आपका मन था कि करूँ, आप नहीं जानते हो कि आप अच्छे हो कि नहीं हो, लेकिन आपका मन कर रहा है, आपका मन कर रहा था गिटार सीखने का, तो आप वो अभी कर सकते हो। मतलब सब कुछ जो आपके पैशन है, घर पर बैठे बैठे जो काम कर सकते हैं वो सब करके देखिए, क्योंकि इस दौर में ये ऐसा मौका शायद कभी भी नहीं मिलेगा, और भगवान न करे कि कभी मिले, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी चीज़ को तो हम पसंद नहीं करते, लेकिन इस नेगेटिव समय में भी हम ये पॉजिटिव बात निकाल सकते हैं और इससे हम अपनी हेल्थ को रीसेट कर सकते हैं, हमारी हेल्थ वापस से बेटर हो सकती है, जो हमारा दिमाग की टेंशन है उसको हम कम कर सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि कम से कम आप न्यूज़ देखें, ज़रूरी एक तो रिलायबल सोर्स होने चाहिए, वहीं पे न्यूज़ देखें, एक फिक्स टाइम बना लें और अननेसेसरी इसके बारे में ज़्यादा बात ना करें, और बस जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन बोले हुए हैं बस वो लेते रहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप अपने पैशन को जी लेंगे इस लॉकडाउन के पीरियड में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।